परम पिता परमात्मा वीतराग भगवान के अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में अस्तित्व को तथा आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब घोर तपस्वी कर्नाटक गज के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब अनंत अनंत उपकारी, जैसे अपन गाते स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान, जिस माता ने इनको जन्म दिया है ना धन्यवाद, उस माता को नमन, उस माता को धन्यवाद कि जन्म तो दिया ऐसे रतन को और उसके बाद मार्ग में लगाया सम्यक रत्न के लिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न प्राप्त करते हैं ना भाई और बहनों, तब कहीं जाकर मोक्ष मार्ग मिलता है। तो ऐसे माता पिता के संस्कार, पक्के संस्कार माता और पिता के परम पूज्य बेन मारा साहब ने, देखिए साहब आप सब प्रीति सुधा जी कह रहे हैं पर मेरी कौन है, बोलिए जोर से। अब आपको भी आज से क्या बोलना, उनको बड़ों का नाम नहीं लिया करते। हमारी बहनों की जो परंपरा थी ना, थाना पतिरु नाव कही तो क्या नहीं, वे ऐसा कहते हैं, ये मर्यादा है, भारत की संस्कृति है भाई और बहनों। ऐसे हमारे परम पूज्य बेन मारा साहब, जिन्होंने माता और पिता के, माँ से पाए ज्ञान और दर्शन और पिता से पाया चारित्र, ऐसे चारित्र को जिन्होंने 1962 में ग्रहण किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हर बात का, उन्होंने कहाँ कहाँ पर स्थानक निर्माण किए, अनेकों, एक नहीं ये स्थानक जहाँ आप बैठे हैं, बड़े आराम के साथ वो स्थानक का निर्माण और यहाँ के संघ का निर्माण मारा साहब ने किया है। शांति भाव ने बहुत ज्यादा आगे वाणी ली इसके अंदर, शांति भाव मुठा और ये इतना बड़ा स्थानक बन गया। इस प्रकार अनेकों स्थानक कोथरूड़ के अंदर, पनवेल के अंदर, पिंपलगांव के अंदर, धुलिया के अंदर, सुभाजी रुणवाल ने वहां पर दान दिया, वहां पर स्थानक का निर्माण, औरंगाबाद के लोग आए हैं, जालना में प्रीति सुधाजी नगर है, कहां कहां बताएं। अभी आपने सिर्फ शेखर जी को सुना, भैया शेखर जी पिंपलगांव में वो गौशाला चलती है जहां हजार गायें अभी भी है जीवंत, जहाँ कसाईयों से लाई हुई गौशाला के अंदर रखी हुई, और वहाँ के मराठी आदमी को कहा कि भैया आपके जन्मदिन पे हम क्या दे, तो उन्होंने कहा, शब्द कितना सुंदर वापरते हैं, गायींच माहेर घर तैयार करायचे, मला काय करायचे, गायींच माहेर घर। हमारे नाहताजी बैठे, हमारे बहुत प्रेमी हैं साहब, कमिश्नर साहब तो हैं, 2005 में जब बम्बई में चातुर्मास किया था, नवी मुंबई वासी के अंदर उनके घर पर लेके गए थे, और गोचरी बहराई, ऐसे हमारे कमिश्नर साहब को कहती हूँ, कितने कितने सारे परिचित चेहरे सामने में बैठे हैं, नाम लिया नहीं जाता, परंतु सवेरे से क्या 3 दिन से देख रहे हैं कि लोंढ्याच्या लोंढे म्हणतात ना, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मोदी जी के पास ऐसी भीड़ है, और हमारे मारा साहब को मोदी जी बड़े प्यारे हैं, है ना मारा साहब, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, क्यों कि वे धर्म का काम करते, संस्कार को संभालने का, इसीलिए उनका नाम संस्कार भारती रखा गया, और ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। भैया मुझे तो लिखना पड़ा था कि स्थानकों का निर्माण संघों की नीति, गोरक्षण की संस्थाएं, रात्रि का मराठी प्रवचन, माइक कम ना करें, रात्रि का मराठी में प्रवचन सबसे पहले जलगांव के अंदर तय किया था, सुभाष चौक के अंदर व्याख्यान होते थे, अरुण भाई को मालूम होगा, अरुण भाई गुजराती को मालूम होगा, कितनी भीड़, एक भी सड़क पे जगह, अभी तो तुम कुर्सियों पे बैठे हो, अपने भारत की परंपरा नहीं, बीमार लोग बैठते उसके अंदर, परंतु जिनके घुटने दुखते हैं ना, संचिति बैठ कहते हैं कि उसके ऊपर बैठो, वहां पर बैठने को जगह ही नहीं पूर्ति थी, चारों सड़कें पूर्ण हो जाती थी, बराबर है ना भैया, ते स्वतः पायऱ्या चढ़तात आणि आपल्याला मात्र सांगतात कि तुमचं ऑपरेशन झाले, खुर्चीवर बसा, उस समय खुर्चिया नहीं थी, ऐसे दरी पर बैठना पड़ता था, सतरंजी पर, वो सतरंजिया कम पड़ जाती थी भाई और बहनों। ऐसा प्रवचन आपने कहीं सुना, इसको कहते हैं रिकॉर्ड बनाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ऐसे रात्रि के प्रवचन दिए, फिर सांस्कृतिक अभियान चलाए, अनेकों सांस्कृतिक
अभियान चलाएं, स्कूल और कॉलेज इनके नाम से चलते हैं भाई और बहनों, आपको पता ही होगा, परंतु सबको पता ना हो इसलिए बताते हैं। राहता में स्कूल चलती है, धुलिया में चलती है, और मांची हिल यानि संगमनेर के अंदर चलती, जहाँ स्कूल चलती है कॉलेज चलते हैं वहाँ पर गोरक्षा हो रही है। स्थानक तो होते ही हैं, गोरक्षा होती है, शिक्षण का अभियान होता है, प्रीति सुधा जी शिक्षण फंड नासिक के अंदर बड़े पैमाने पर कल हुआ है। भाई और बहनों कितना नाम दे आपको, दूसरी बात बताएं अंतर्गत उनको शिस्त बड़ी प्रिय है, अभी चुपचाप बैठे हैं, परंतु जरा सा हम इधर से उधर हो जाए पल्ला भी इधर से उधर चलता। साधु साध्वियों के लिए कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पल्ला लेना, कैसे कपड़े पहनना, ये सारी बातें इन्होंने सिखाई है भाई और बहनों। ऐसी बातें अब कोई नहीं है ऐसा बताने वाला, सब तरफ क्या हो गया है, स्वच्छंद का वातावरण हो गया है, परंतु आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनका डंका तो है ही, देश विदेश के अंदर भी उनका डंका है। हम इसीलिए तो गए थे वहां पर, विदेशों में जाने का काम ही इसलिए पड़ा कि धर्म का डंका इन्होंने जो हमको सिखाया वो वहां पर भी बजे, क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में जैनी लोग रहते हैं। तो ऐसे चारों तरफ विहार करने का काम किया, कितना, हजारों किलोमीटर का विहार। संजय जी साहब हजारों किलोमीटर चले हमारा साहब, अब थोड़ा सा ब्रेक लावावा लागतो, थोडस थांबावं लागतं, आणि म्हणून ते थोडे थांबले तरी पण चातुर्मासासाठी इथे आलेले आहेत। तो इस प्रकार भाई और बहनो उन्होंने इतना काम किया है जिसकी कोई गिनती हम कर नहीं सकते। अभी देखा आपने हमारे सारे साधी मंडल में चार चार गुण गाए उनकी, क्योंकि समय नहीं था, चार चार गुण गाए हैं, परंतु वो भी कम पड़ जाते हैं। इस प्रकार सारी लाइफ मैनेजमेंट क्या है इनके पास, जैन साधुओं की, जैन साधु संतों की लाइफ मैनेजमेंट इन्होंने की है। ऐसा संगम मुझे भी दीक्षा लिए 54 वर्ष हो गए, कितने हुए बोले वाला कौन 54, तो इतने साल हमने देखा है। पुण्यवाणी का उदय है कि इनके पीछे पीछे हमको भी जन्म मिल गया, माताजी मार साहब की कुक्षी में मैंने नंबर लगा लिया था, मैंने बुकिंग कर दिया था, पीछे तो पीछे 8 साल बाद आए हम, इनके बाद 8 साल के बाद हम आए हैं, पर माता जी ने हमारी बुकिंग को स्वीकार किया और हमको दीक्षा भी दे दी, दीक्षा संपन्न हो गई, और दीक्षा के साथ मंगल प्रभा जी भी आ गए। ये मंगल प्रभा जी यहाँ बैठे ना, टाइम का मैनेजमेंट बता रहे, परंतु ये सारी की सारी बातें हमारे बेन मार साहब ने हमको सिखाई है। भाई और बहनों माना कि वो खामोश खड़े होते, माना सब सुनिए साहब जाना वाले, माना कि वे खामोश खड़े होते हैं, लेकिन बड़े हमेशा बड़े होते, बड़े हमेशा बड़े होते हैं। मामूली ना समझिए इन फकीरों की हस्ती को, मामूली ना समझिए इन फकीरों की हस्ती को, इनके पैरों में कई ताज पड़े होते हैं, कई ताज पड़े होते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य चोरलिया साहब भी बैठे हैं, शांतिराज साहब किस किस का नाम ले, प्रकाश भाऊ और ना जाने कितने लोग दर्शनों के लिए आए हैं। भाई और बहनों ऐसा ही महान व्यक्तिमत्व है, इसको समय में बांधा नहीं जाता है, और इन्होंने जो दीक्षा ली ना, इन्होंने जो दीक्षा ली मदन भाऊ, तब आप लोग घूमते थे, चक्कर लगाते थे, उम्र छोटी थी, अब क्या हो गया है, अब उम्र बढ़ गई ना, है उम्र का तकाजा होता है, परंतु इन्होंने किया था स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, क्या किया, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज, चढ़ती उम्र में चढ़ती जवानी में माता जी की आज्ञा का पालन करके वो दीक्षा का, नहीं तो इनको बहुत सुंदर गाना पसंद था, छोटे से थे 12 साल के, अपनी स्कूल के ओटे पर खड़े होते थे, और कौन सा गीत गाते थे उस समय अंदाजा लगाइए, 80 इनके उसमें 5-10 कम करो तो कितने साल पहले की बात, ओ बसंती पवन पागल, ये गीत गाते थे।
और कितना प्यारा गीत है वो, और उसी के ऊपर हमने जो भजन बनाया कल आपको हमारे मंगल प्रभा जी ने सुनाया, वो गीत उनका प्यारा है इसलिए बनाया उस राग के ऊपर, जो जो राग उनको अच्छी लगती थी उस राग पर भजन जन्मदिन के बनाए। और ये जन्मदिन साल में एक बार हमारे लिए तो रोज का है, परंतु साल में एक बार कैसे गाए, दिल को तसल्ली नहीं होती। अभी जब देवदानी से यहाँ पर आए सोचा, कल्पना आई कि क्यों नहीं गीतों को रिकॉर्ड किया जाए, और सच में वो रिकॉर्ड बन गई है। उसको आजकल रिकॉर्ड चलती नहीं, पहले कैसेट चलती थी, फिर सीडी चलती थी, और अब क्या चलता है, पेन ड्राइव, उसके भी आगे का एक आग्रह वर्जन। परंतु हमने तो पेन ड्राइव को बनाया, उसके अंदर बड़ी सुंदर म्यूजिक भी बनाई है, क्योंकि जमाना है म्यूजिक मिरेकल एंड मेडिटेशन। जमाना किसका है, म्यूजिक मिरेकल एंड मेडिटेशन। हम तीनों बातें करते हैं भाई और बहनों, हमको ऐसा लगता है कि बंद रखते हैं जुबा, लब खोला नहीं करते। भैया बंद रखते हैं जुबा, लब खोला नहीं करते, चांद के सामने सितारे बोला नहीं करते। चांद के सामने गाने में आएगा, जितने भी गाने गाए हैं वो सारे इस पेनड्राइव के अंदर आ गए हैं। हमारे प्रेरणा जी बहुत सुंदर गाने वाले, मंगल प्रभा जी साथ देने वाले, सारे के सारे गाने। अब अपने पास समय नहीं है इसलिए जल्दी निपटना है, पर आप जरूर से उन पेन ड्राइव को घर पर ले जाएंगे और रोज का रोज जन्मदिन मनाने का तैयारी रखेंगे। भाई और बहनों, इस प्रकार जाते जाते आपको कहूं कि हमारे मारा साहब जिनकी विशेषताएं हमारे सहयोग के लिए बताई वो भी क्या हो जाती, कम पड़ जाती है। तो कुछ लक्ष्य देऊ नाही का बरं का होता, वाट दाखवणारे, वाट दाखवायला, कोणता रस्ता, वाट मोक्षाची, कोई होते हैं वाट दाखवणारे, कुछ होते हैं वाट शोधणारे। तुमच्या सारखे जे लोक असतात वाट शोधून 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 इथपर्यंत पोहोचले असतात, तर काही असतात वाट दाखवणारे, काही असतात वाट शोधणारे, आणि काही असतात वाट बघणारे, काही असतात वाट बघणारे, परंतु काही असतात वाट लावणारे। असतात ना भाऊ, तुमच्याकडे लक्ष आहे, काही असतात वाट लावणारे, जीवनाची वाट लावून घेऊ नका, वाट दाखवायला, वाट बघायला आमचे मारासाहेब, आमचा पूर्ण साध्वी मंडल, एक एक साध्वी जरी बोलल्या नसतील किंवा जे काही मनात असेल, अतिशय प्रतिभा संपन्न असा हा साध्वी मंडळ आहे। बंधूंनो आणि भगिनींनो, निश्चितपणे या पुण्यामध्ये जो 75वी साजरी झाली ती बेबेवाडीला, 75वी चंचलताई तिथे त्या पहाडीवर, पहाड़ी के ऊपर यश लॉन्स के अंदर 75वीं मनाई गई थी अरुण साहब, और अब जो है 81वीं लेकर के आया है पूना का श्री संघ, जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे विलास भाऊ राठौड़, हमारे शकुंतला ताई और शांतिलाल जी साहब मुत्था और जीतू भाऊ कर रहे हैं। और आप लोगों को ये नज़ारा कैसा लगता, प्यारा प्यारा लगता है ना, ऐसा नज़ारा दिखाने का काम इन हमारे भाइयों ने और बहनों ने किया है। इन सबको तो धन्यवाद देना ही है, परंतु आज हम सब की ओर से परम पूज्य बड़े मारा साहब की स्वास्थ्य की कामना करनी है, क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द ब्रह्म वाक्य होता है, सबके लिए जीवन को दर्शाने वाला होता है। और ऐसे परम पूज्य बेन मारा साहब, जिनके छोटी बहन बनने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला है, इसलिए अपने आप को धन्यता मानते हुए मैं अपनी भावनाओं को यहीं पर विराम देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे मंगल प्रभा जी ने कहा था कि एक तरी कड़ो, और बड़े मारसा ने कहा कि चार गीतों में से दो दो लाइन तो भी तुमने गाना है, तो सिर्फ मैं जो उनको बहुत प्यारा है उसकी दो लाइन सुना रही हूँ। लगी आनंद झड़ी आई खुशियों की घड़ी, लगी आनंद झड़ी आई खुशियों की घड़ी, आया दिन महान प्रीति सुधा जी को पाए हैं हम यहाँ। लगी आनंद झड़ी
आई खुशियों की घड़ी आया दिन महान प्रीति सुधा जी को पाए हैं हम यहाँ प्रीति सुधा जी को पाए बड़े महाराज साहब की आज्ञा है और आज्ञा सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि मराठी की दो लाइन एक गीत है कर जुड़तिया जामुचे वंदन तुम्ही स्वीकारा कर जुड़तिया जामुचे वंदन तुम्ही स्वीकारा शुभ जन्म दिवस पुला घ्यावा प्रीति फुलोरा शुभ जन्म दिवस पुला बोलो घ्यावा प्रीति फुलोरा गुण काय वर्णवावे प्रत्यक्ष बघुनी घ्यावे गुण काय वर्णवावे प्रत्यक्ष बघुनी घ्यावे सूर्यास पाह देखिए सूरज को देखने के लिए दीपक नहीं लगता सूर्यास पाहण्याला न लगे दीवा सहारा सूर्यास पाहण्याला न लगे दीवा सहारा कर जुड़ती आज मुझे वंदन तुम्ही स्वीकार। इस प्रकार भाई और बहनों ऐसे 12 गीत उस पेन ड्राइव के अंदर है जिनको जाकर के आपको घर पे सुनना है। अभी माहौल बहुत सबका दिल बोलने का है सबका दिल सुनने का है फिर भी इतना समय हमें मिल गया है इसका बड़ा ही आनंद है समाधान है। आप सब उनको खूब खूब शुभकामनाएं दो सारे डॉक्टर्स लोग और सारे हमारे संघ के प्रमुख यहाँ पर विराजमान हैं उन सब की तरफ से बड़े महाराज साहब को खूब खूब शुभेच्छा शुभ मंगल की कामना देते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। फाइनली ओम शांति।